अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मोटरसाइकिल है मेरी और इसकी लाइट का बड़ा मसला है। हेडलाइट बहुत कम है रोशनी इसकी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों भी ये देख सकते हैं, रात के टाइम जो है ना इसकी लाइट बहुत गंदी है मोटरसाइकिल की, बहुत कम जो है ना इसका विजन है। ये आगे सड़क पर रोशनी लाइट बंद है और देख सकते हैं मैंने इसको रेस दी हुई है। ये इसकी लाइट है आजकल की, आपको इसका मसला यही है कि इसकी रोशनी जो है ना वो हेडलाइट की बहुत कम है। उसकी दो तीन वजूहत हैं, एक इसका करंट इतना अच्छा नहीं है पीछे, ठीक है, बल्ब भी इतनी अच्छी क्वालिटी का इसमें नहीं लगा हुआ, और दूसरी चीज़ है कि इसका रिफ्लेक्टर आप देख रहे हैं इसमें क्रोम जो है ना वो बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी का लगा हुआ है, तो इसलिए जो है ना इसकी आगे रोशनी इतनी अच्छी नहीं है। अभी आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि रात के टाइम जो है ना इसका किस तरह का जो है ना वो व्यू है। तो इसे हम अपग्रेड करेंगे और इसका जो ये बल्ब है ये निकाल के इसे हम LED में जो है ना वो, बल्कि SMD में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे विद प्रोजेक्टर लेंस के साथ। तो अभी हम जो है ना इसका स्टार्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि जो प्रोजेक्टर है वो इसमें फिट हो जाएगा। थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन फिट हो जाएगा इसमें। पहले मैंने अपनी होंडा 70 में फ़िट किया था, तो अभी इसमें फ़िट करूँगा और आपको फिर चेक करवाता हूँ। अभी हम इसको खोलते हैं और खोल के फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ बाकी। ये इसकी हेडलाइट हमने उतार ली है, अब इसके अंदर से अंदर वाला शीशा जो है ना इसका ये बाहर निकालते हैं और फिर इसके अंदर जो है ना वो फिट करेंगे। पीछे से ये है इसका सिस्टम पार्ट। अभी ये लाइट को खोलने के लिए जो है ना, ये देख सकते हैं आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, इसमें हल्की हल्की ना ये ग्लू लगी हुई है, इसको हल्का सा सेक देंगे तो फिर ये नरम होकर खुल जाएगी। खोल के फिर इसके अंदर जो है ना अपना प्रोजेक्टर फिट करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्टर। पहले ये शीशा इसका उतारते हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ। उस्ताद जी, ज़रा बत्ती चालू करना है, हल्का जहाँ सेक देना है, अभी ग्लू खोलनी है। तो अभी आपने देखा है कि हमने इसको खोल लिया, अलहदा कर लिया है। सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे और इसके अंदर जो वो रख के चेक करते हैं कैसा जो है ना इसके अंदर फिट आता है। जिस प्रोजेक्टर की मैं बात कर रहा था वो ये वाला है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर SMD लगी हुई है। इसको खोलता हूँ यहाँ से और ये जो है ना उस लाइट के अंदर हम फिट करेंगे, ये फिर आपको मैं चेक कराता हूँ। अभी मैं फिट करके चेक कराता हूँ खोल के, ये देखें ऐसे बाहर निकलाएगा और ये हेडलाइट है, एक मिनट, ये इसके अंदर यहाँ से तार इसके अंदर चली जाएगी यहाँ से। और ये देखें ये इस तरह से जो है ना इसके अंदर ये फिट हो जाएगा और उम्मीद है कि ये लग जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई, लेकिन ये खूबसूरत बहुत लगेगा, मुझे इस चीज़ की गारंटी है। पहले ये मैं लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी फाइनल लुक है, ये इस तरह से जो है ना आपको नज़र आएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ भी करूँगा, इसका शीशा भी आपको दिखाता हूँ। ये शीशा है, ये भी ज़रा साफ़ होने वाला है और ये इसके ऊपर जब लगेगा तो ये चीज़ बनेगी, बाइक के ऊपर लग के बड़ा प्यारा जो है ना ये नज़र आएगा। अभी मैं इसकी सफाई वगैरह करवा के इसको प्रॉपर फिट करके फिर जब मैं बाइक में लगाऊंगा और इसके कनेक्शन करूंगा फिर आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये फाइनल हो गया, ये इसकी फाइनल लुक है, ठीक है। ये मैंने शीशा भी कंपाउंड करवा दिया, दूसरा इसके अंदर ये फिटिंग भी पूरी कर दी और इसको
या ग्लू के साथ जो है ना शीशे के ऊपर फिट कर दिया, बिल्कुल पक्का हो गया, अब ये गिरने वाला नहीं है। अब हम इसको इसके अंदर बाइक में फिट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका कनेक्शन समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल से हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, ये लाइट है, ठीक है। इसमें से जो तार निकल रही हैं, ये दो तार इसमें से निकल रही हैं, ठीक है। एक इसमें रेड तार है, ये देखें, एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड जो है वो लगेगी पॉजिटिव के साथ, यानी कि जो बैटरी में से करंट आ रहा है उसके साथ, और जो नेगेटिव है वो लगेगी नेगेटिव के साथ, यानी अर्थ के साथ, जो बाइक का अर्थ है नेगेटिव है उसके साथ लगेगी। अब ये मैं आपको बाइक का भी वायरिंग के साथ समझा देता हूँ। इसे हम यहाँ पे इसके अंदर फिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखें, पुरानी हेडलाइट ये लगी हुई है, ठीक है। इसे हमने निकाल लेना, इसी तरह इसकी ग्रिप से जो है ना हमने वायरिंग खोल लेनी है, ठीक है। इसमें टोटल तीन तारें हैं, ये देख सकते हैं, इसमें से जो तारें निकल रही हैं टोटल तीन है, एक ग्रीन है, एक वाइट है और एक ब्लू है। जो ग्रीन वाली तार है ना, ये होती है अर्थ की, ये इसमें से आ रही है, देखें, ये जो बाइक का है ना ग्रीन वायर है, ये सारी अर्थ की है। इसमें से हम इसकी ये अर्थ वाली वायर बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ये अर्थ इसका बाहर निकल गया। और यहाँ पर हमने इसकी जगह पे लगा देनी है ब्लैक वाली तार अपनी नई वाली लाइट की। और बाकी जो दो तारें रह गई, एक होती है हाई बीम की, एक होती है लो बीम की, ठीक है, ये दोनों हमने बाहर निकाल देनी है। और इनमें से किसी एक में जो है ना आपने वो रेड वाली तार लगा देनी है, ये देखें, ये ब्लू वाली निकल गई, इसी तरह ये वाइट वाली भी निकल गई। और इसको आपने रख लेना है, इसको घुमाना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना आपने सेव कर लेना। बाकी अब जो तारों का आपको मैंने समझाया है, आपने जो करंट वाली तार है वो इन दोनों में से किसी एक में लगा देनी है, रेड वाली जो है इन दोनों में से किसी एक में, और जो आपकी नेगेटिव की तार है वो आपने इस ग्रिप में लगा देनी है, ग्रीन वाले में, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो दो तारें आपको मैंने बताई थी वो मैंने लगाई हैं, ये आपको उतार के दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ब्लैक तार आपको दिखाई थी वो मैंने लगा दी है ये ग्रीन वाले ग्रिप में, ठीक है। और जो रेड तार आपको दिखाई थी वो मैंने ये वाइट के साथ अटैच कर दिया, ब्लू के साथ भी अटैच कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, वो चलेगा, ये हाई का एक लो का, ठीक है जी। ये ब्लैक इसके साथ अटैच हो गई, और अब ये होगा कि जब मैं बाइक स्टार्ट करूँगा और हेडलाइट ऑन करूँगा तो जैसे जैसे रेस देंगे ना, वैसे वैसे जो है ना ये लाइट की रोशनी तेज़ होती जाएगी, यानी कि ये करंट के साथ चलेगी। तो हमने इसको करना है बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ करने के लिए जो है ना हमें एक तार और हमें इसकी चेंज करनी पड़ेगी, वो ये येलो तार होती है। ये बाइक में ना एक येलो तार आ रही होती है जो लाइट की होती है, हेडलाइट की। ये देखें, ये जो येलो तार है ना, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये येलो से आती है और येलो में आगे चली जाती है। इसको हमने येलो में से निकालना है और इसे हमने जो है ना मेन करंट के साथ मिला देना है। अब मेन करंट आप पूछेंगे कि कौन सा होगा इसमें, तो मेन करंट होता है ना वो ब्लैक कलर की तार होती है, ऐसे ये ग्रिप में से आ रही है इसकी ब्लैक कलर की तार जो मीटर में जा रही होती है, ठीक है। इसके अंदर से जो है ना हम ये ब्लैक वाली तार के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर ये लाइट जो है ना बटन ऑन करने पर चलेगी, यानी बैटरी के ऊपर चलेगी ये लाइट। अभी ये वाला कनेक्शन करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी देर खपने के बाद जो है मैं लाइट लगा ली है, ये देखें, ये स्विच ऑन किया और ये लाइट ऑन हो गई, आपको अगर नज़र आ रही होगी, ये देखें बड़ी तेज़ रोशनी है यार इसकी, अभी तो बाहर रोशनी है ना इसलिए इतना आपको पता नहीं चल रहा। ये देखें, तो ये फिट हो गई है। अभी मैं इसकी जो है ना ये लगाने लगाऊँ, बोल्ट वगैरह फाइनल फिट करने लगाऊँ। जो मैंने लास्ट आपको बताया था ना जो येलो तार लगाई है, उसके बाद जो है ना ये बैटरी के साथ चलेगी। अगर आपकी बाइक में बैटरी नहीं है तो फिर ये लाइट जो है ना आपकी बाइक में नहीं चल सकती, फिर ये करंट के साथ चलेगी तो मज़ा नहीं आएगा चलाने का, तो ये बैटरी के साथ ही सही चलती है। अभी इसके बोल्ट वगैरह फिट करते हैं और शाम हो गई है, फिर आपको मैं इसका फाइनल जो है ना वो रिज़ल्ट दिखाता हूँ। पहले आपने देखा था कि बहुत ही कम थी, तो जब आप फाइनल आपको दिखाऊंगा लुक, तो फिर आप जो है ना खुद कंपैरिजन करके तो कमेंट्स में बताइएगा। लो दोस्तों, फाइनली बाइक मुकम्मल हो गई है, ये लाइट देख लो अंदर आपको नज़र आ रही होगी। अभी मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको, आपको इसकी लुक पता चल जाएगी भाई कैसी जो है ना इसकी लुक आ रही है, ये देखो, ठीक है। इसमें तीन फंक्शन है इस लाइट में, ठीक है जी। इसको यहाँ से हम ऑफ भी कर सकते हैं, और अभी मैं आपको इसके फंक्शन भी चेक करवाता हूँ सारे, बाहर निकाल लूँ मेरा बाइक रोड के ऊपर, तो फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, तीन फंक्शन आपको मैं कह रहा था इसमें हैं, एक है जी हाई बीम का, लो बीम, और जो तीसरा है वो फ्लैशर है।
लो जी, मैं ऑन करने लगा लाइट और आप चेक करें या गली के अंदर अभी ना रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये बटन ऑन किया, देखें ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है जी। और ये लाइट जो है ना अभी इसकी थ्रो देखें कितनी तेज़ है। ये अभी थोड़ी सी ऊंची है, एडजस्ट होने वाली है लाइट, जब एडजस्ट होगी ना तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये देखें अभी ये थोड़ी सी नीचे की तरफ मैंने की है, आप ये देख सकते हैं इसकी रोशनी बड़ी ज़बरदस्त है। पहली जो आपने देखी थी उसकी तो बिल्कुल ही फारिग थी। अब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, ये इसका लो बीम है, ठीक है, ये इसकी लो बीम है और ये इसका फ्लैशर है, ठीक है। बेहतरीन जो है ना इसका रिज़ल्ट है, रात के टाइम पे बेहतरीन है। ये देखें गाड़ी के ऊपर सही रोशनी जो है ना आगे, और ये अगले बंदे की आंखों में भी नहीं पड़ेगी, परफेक्ट जो है ना लाइट है। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वो कैसी लगी है। पहले भी आपने देखी थी बाइक की रोशनी बिल्कुल फारिग थी और अब आपने देखा है कि ये बेहतरीन हो गई है। तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और न्यू है चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।